मैं विजय भाई साहब आपके पास एक चीज जल्दी से बता दूं और फिर मैं आपके पास आ जाऊं। ये मोदी जी एक तो G7 के उसमें क्यों गए थे, मोदी जी ऑस्ट्रेलिया क्यों गए हैं ये भी नहीं पता है किसी को। और ये मैं इसलिए बता दूं कि मोदी जी की क्वाड की मीटिंग थी, क्वाड की मीटिंग पहले 10 दिन पहले ये हुआ कि वो पोस्टपोन हो गई है क्योंकि बाइडेन साहब नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि साहब ये मीटिंग पोस्टपोन, अब नियर मीटिंग नहीं होगी। ये भाई साहब फिर चले जा रहे हैं और मुझे जिस बात का ये है कि भाई आप चले जाइए, जैसे ये जो इनके सपोर्टर लोग कह रहे हैं ना कि वो ऑटोग्राफ मांग रहे थे बाइडेन, ये आपको कभी नहीं लगता है कि ये जो यूनिवर्सिटी के बाद छटे हुए जो होते थे वो आपकी अगर आपसे खेलना होता था वो क्या काम करते थे या किसी से क्या काम करते थे? ये बाइडेन उस तरह के काम कर रहे हैं। भाई बाइडेन आपसे ऑटोग्राफ क्यों मांगेगा? खैर अब वो मैं ज्यादा मूल बात बता दूं और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लूं। ऑस्ट्रेलिया में उनके उन्होंने कहा कि मीटिंग कैंसिल, इन्होंने कहा नहीं नहीं मेरी कुछ बिजनेसमैन से और कुछ लोगों से मीटिंग है तो मैं तो आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मुझे दुख इस बात का होता है कि इतनी भद होती है देश की, जब ये कल ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो देश एक 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री पहुंच रहा है भाई, वहां पे हवाई अड्डे पे रिसीव करने ऑस्ट्रेलिया के कोई भी मंत्री नहीं था। एक महिला वहां थी जिसको ANI ने कल ट्वीट किया, वो तो सब जगह वो है, वो महिला वहां पहुंचती है और उसको ANI कहता है, महिला को कहता है, वो एक पुरुष है एंथोनी एल्बनीज जो उनके कहता है कि ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर आके रिसीव कर रहे हैं। फिर वो 2 घंटे बाद कहता है नहीं नहीं ये देखिए हाँ ये वाली वो ये असली प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बात की फोटो है, ये वो वाली फोटो नहीं दिखा रहे हैं, ये फोटो नहीं है, वो फोटो वो है जो मैं बता दूं कौन गया रिसीव करने। और फिर उसमें लिखा है ANI के, उसमें वो फोटो वो है जो हिंदुस्तान में ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर हमारे यहां जो पोस्टेड है, जो इंडिया में पोस्टेड है, वो जाके उसको बचाने के लिए उसको किसी तरह से वो जाके एयरपोर्ट पे खड़ी हो गई थी और ANI ने फिर उसको लिखा है कि हाँ ये गलती हो गई थी, ये हमने फिर किया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सब काम करने से देश का कहीं ना कहीं सम्मान पे तो ठेस आती है ना। तो विजय जी आप अगर सबको मोदी जी साथ लेके चलते तो एक भव्य कार्यक्रम होता, बढ़िया हमारी संसद है, अच्छे वो हैं। मैं फिर उसी पे आ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं अगर ये सिर्फ उसको भाजपा का ही बना देंगे तो वो देश के साथ भी थोड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं। विजय जी बहुत संक्षेप में क्योंकि फिर मुझे डॉक्टर रवि कांत का लेना है। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक तो आपने जिस आर्टिकल 79 का जिक्र किया कि संसद राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति को मिला के ही संपूर्ण होती है जो भारतीय गणराज्य है, लेकिन आर्टिकल 52 में जहां तक मुझे मालूम है कि उसमें साफ है कि भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण भारत का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। जो अभी विजय सिंह जी ने मंत्री जी की बात बताई हरदीप पुरी जी की, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये कैबिनेट मिनिस्टर का ये बयान है कि चूंकि वो दोनों सदनों के मेंबर नहीं है, जबकि वो संपूर्ण भारत के लोग उसको निर्वाचन करते हैं और वो इतने नहीं है, वो भारत का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और वो संवैधानिक प्रमुख है और यह सबसे बड़ी भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। और जो मतलब ये बड़ा आश्चर्य से परे है, मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को खुद और लोकसभा अध्यक्ष ने इनवाइट किया होता तो इससे उनकी गरिमा बढ़ती, जो उन्होंने अब इसको हम क्या कहें किस उपमा से नवाजे कि जिसके चलते सारा कार्यक्रम उन्होंने अपने ही इर्द गिर्द रखा है शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक, तो अब उस पर कोई भी टिप्पणी कर देखिए। ये ANI ने फोटो ट्वीट की थी, जी जी जी, ये जो महिला है ये हाई कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया है, ये बेचारी भागी भागी पहुंची थी कि कहीं वहां कोई तो दिखे कि कोई लेने आया है। ये तो हम लोग जब कभी कभी ट्रेन से लेने जाते थे लोगों को स्टेशन, मैं दिल्ली रहता था तो ट्रेन कभी कभी लेट आती थी तो बड़ी गुस्सा आती थी, लेकिन क्या करें लेट आना ही है। और 2-4 बार ऐसा हुआ कि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है
तो कोई आया ही नहीं था। और ये देखिए फिर उन्होंने गलती सुधारी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज रिसीव्ड बाय ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरियो फेरवेल अपॉन हिज अनाउंसमेंट इंडिया नॉट ऑस्ट्रेलियन पीएम एज वाज मेंशनड अर्लियर। मतलब ये हमारे एएनआई को लगा कि भाई वो तो आएंगे ही प्राइम मिनिस्टर साहब। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए विजय भाई जी। ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनतंत्र के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो हमारे देश का संसदीय प्रजातंत्र है उसमें जो राष्ट्रपति की जगह है जो संवैधानिक प्रमुख के नाते, अगर इस पार्लियामेंट का वो उद्घाटन करते तो पूरे भारतीय जनतंत्र की गरिमा बढ़ती। और आप एक चीज देख लीजिए कि मैं तो राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सबसे पहले विपक्ष में शायद कल उन्होंने ट्वीट किया है इस चीज को। इसमें सारे विपक्ष के लोग, जैसा कि देश पांडे जी कह रहे थे कि मुझे इसमें विपक्ष के रोल पर भी बड़ी हैरानी होती है, सारे विपक्ष को इसमें लोकसभा अध्यक्ष से डेलीगेशन लेके मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन प्रतीक स्वरूप उनके पास जाते कि आप क्या कर रहे हैं। विजय जी, ये लोकसभा अध्यक्ष जी नहीं उनको बुलाया है कि आप आइए और 28 को ये करिए। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो देश पांडे जी ने जिधर इशारा किया कि संपूर्ण विपक्ष को इसे एक देश में मैसेज तो जाता है ना। और इसका देखिए अभी तो बात चल रही है, आज समाचार पत्रों में पढ़ा कि शायद अपोजिशन ही कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया उद्घाटन के लिए तो शायद वो बहिष्कार भी करे। लेकिन ये कितना बड़ा अपमान है उस संवैधानिक प्रमुख का। और मैं समझता हूं कि केवल राष्ट्रपति के अपमान का नहीं मतलब है, यह पूरी जो संसदीय प्रणाली है जो हमारे देश का संविधान है ये उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये तो खुद इनको पहल करनी चाहिए थी। और मतलब इस पर तो अभी साहू साहब ने जितने विस्तार से डाला, प्रकाश डाला, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया। अब देखिए दो चीज है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जिधर आपने अभी ऑस्ट्रेलिया का वो जिक्र किया, इस पर आप मार्क करिए आनंद वर्धन जी कि पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे विदेश में तो पत्रकारों का एक बहुत बड़ा समूह भी उनके साथ चलता था, अब उस तरह से कोई नहीं जाता है। कारण क्या है कि इन सब चीजों का फिर जिस तरीके से सारे पत्रकार जाते थे, हम मानते हैं कि बहुत सारा मीडिया जो है इस समय गोदी मीडिया के रूप में परिवर्तित हो चुका है, लेकिन कुछ तो होते बैकबोन वाले जो इस चीज को उद्धृत करते, जिधर आपने ध्यान आकर्षित किया ऑस्ट्रेलिया के उसका, तो ये शुरू से ही एक सोची समझी रणनीति के तहत ये शुरू से है, आज से नहीं है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से आप देखिए तो बहुत सेलेक्टिव हिसाब से वो पूरी अपनी यात्रा को मैनेज करते हैं कि वो जितना चाहते हैं उतना ही इंडिया के में, हमारे देश में पब्लिक डोमेन में वो चीजें आती है, जिससे केवल अब क्या कहा जाए, एको अहम द्वितीयो नास्ति वाली जो कहावत है हमारे यहाँ, ये वही चरितार्थ होती है। तो ये जो घटना है राष्ट्रपति भवन, ये पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन की, ये सच पूछिए तो बहुत विचलित कर देने वाली बात है। और जब सारे देश से आवाज उठेगी और अपोजिशन इस पर एक बहुत स्ट्रांग स्टेप उठाएगा, मैं समझता, मुझे तो नहीं लगता कि अब इस पर कोई पुनर्विचार वो लोग करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का उन लोगों का स्वभाव है और जिस तरह की आस्था है संसदीय प्रजातंत्र में, ठीक है प्रजातंत्र के ही रास्ते वो इस कुर्सी पे पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी में जितनी उनकी आस्था है तो मुझे नहीं लगता है कि वो रिकंसीडर करेंगे। लेकिन अपोजिशन को इस पर बहुत स्ट्रांग स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस समय ये संवैधानिक प्रमुख के ऊपर खड़ा हुआ है जी। और जिस वंदे भारत की आपने चर्चा की आनंद भाई, मैं दो लाइन में उसको कर दूं कि देखिए आप देखिए कि राजीव जी कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं, संचार क्रांति के, लेकिन उनके साथ ही पूरा देश सैम पित्रोदा को भी जानता है। मेट्रो राजीव गांधी लाए, लेकिन उसके साथ ही लोग श्रीधरन का भी नाम लेते हैं। अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं कि नेहरू जी की सबसे बड़ी देन थे इसरो से लेके वो, तो लोग उनके साथ भाभा को भी याद करते हैं। अगर भाखड़ा नंगल और विश्वेश्वरैया डैम की बात करते हैं तो विश्वेश्वरैया इंजीनियर को भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उस समय की सरकारें इस तरह के लोगों को उतना ज्यादा महत्व देती थी कि उनको एक आइकन के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती थी, और इस तरह से उनको प्रस्तुत करती थी कि ये हमारे जो है ये धरोहर है, यहां तो सब कुछ हम ही है। कितना बेसिक डिफरेंस है उन नेताओं में और आज के इस वर्तमान
लीडरशिप है, मैं क्या कहूं उनको बार बार, लेकिन पहले के देखिए जितने भी बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े जो प्रतिमान स्थापित हुए हैं उसके साथ उन वैज्ञानिकों के, उन इंजीनियरों के, उस समय के तत्कालीन नेताओं से ज्यादा लोग याद करते हैं, चाहे वो विश्वेश्वरैया हो, चाहे वो भूमि जहांगीर भाभा हो, चाहे स्वयं पित्रोदा हो या श्रीधरन हो या कोई भी वैज्ञानिक हो इस तरह से। और आप देखिए जब इंदिरा जी ने उसको परमाणु विस्फोट किया तो राजा रमन्ना और होमी सेठना, हम लोगों की बचपन की याद है, हर लड़कों की जुबान पे हो गए थे क्योंकि उस समय खुद प्रधानमंत्री ने उनको इतना किया। एपीजे कलाम साहब का मैं विंग्स ऑफ फायर में पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट में जब इंदिरा जी ने बुलाया उनको और किस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरी संसद ने उनका स्वागत किया था, उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है विंग्स ऑफ फायर में। इस ये आज बुनियादी फर्क है उस समय की लीडरशिप में और आज की लीडरशिप में। ये देश की 140 करोड़ जनता के विवेक पर हम लोग को छोड़ना चाहिए। और मैं तो आनंद भाई आपको इसमें बधाई देना चाहूंगा कि इस तरह के सब्जेक्ट पे कम से कम आपने इस तरह की चर्चा तो शुरू की ताकि अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, ये देश के 140 करोड़ लोग जान सके। जी आनंद जी,